22 જાન્યુઆરી 2023 ઇતિહાસમાં યાદગાર તારીખ બનવા જઈ રહી છે. વર્ષો બાદ રામલલ્લા નિજ મંદિરમાં બિરાજવાના છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. તો બીજી તરફ દેશભરમાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અયોધ્યા પહોંચવાના છે, ત્યારે અયોધ્યામાં તેમના રોકાણ માટેની મોટાપાયે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. પ્રવાસીઓને ધ્યાનમાં લઈને સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને ખાનગી સંસ્થાઓ દ્વારા રહેવાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. તેમાંનું એક ભવ્ય આયોજન એટલે ટેન્ટ સિટી. અયોધ્યામાં અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર ટેન્ટ સિટી બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યાં હાઈક્લાસ ફેસિલિટી દર્શનાર્થીઓને આપવામાં આવશે. રામલલ્લા કી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કે લીએ દેશ મે નહીં બલ્કિ વિદેશો મે ભી લાખો શ્રદ્ધાલુ અયોધ્યા આને કા ઇંતજાર કર રહે હૈ ઓર ઉન શ્રદ્ધાલુઓ કે લીએ કિસ તરહ તૈયાર હો રહી હૈ અયોધ્યા ઓર અયોધ્યા કો વર્લ્ડ ક્લાસ સિટી કે તોર પર કિસ તરહ વિકસિત કિયા જા રહા હૈ ઉસકી અગર આપકો બાનગી દેખની હૈ તો આઈએ હમારે સાથ આપકો ટેન્ટ સિટી લે ચલતે હૈ. જી હા, ઇસ સમય મે હું ટેન્ટ સિટી અયોધ્યા મે ઓર અયોધ્યા મે અલગ અલગ જગહો પર યે ટેન્ટ સિટી ડેવલપ કી જા રહી है. ये जो टेंट सिटी के बाहर हूँ मैं आज और जहाँ आपको अंदर ले जाने वाली हूँ वो ब्रह्मकुंड में है. आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर ये टेंट क्लास सिटी यहाँ पर टेंट सिटी माफ कीजिएगा बनाई जा रही है. और खास बात ये है कि ये बिल्कुल राम मंदिर की जो बैक साइड पर ये टेंट सिटी बनाई गई है, यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड पर ये टेंट सिटी है और मेरे राइट हैंड की अगर मैं बात करूँ पीछे की तरफ वहाँ पर वो मंदिर की बैक साइड है. तो आइए अब आपको दिखाते हैं. यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर राम जी की खड़ाओं के तौर पर प्रतीकात्मक तौर पर ये यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, बेहद खूबसूरत. आपने ऐसी तस्वीरें या इस तरह का जो अनुभव है वो किसी हिल स्टेशन पे किसी रिजॉर्ट पर लिया होगा. अयोध्या में कुछ इस तरह का हो सकता है, इसकी कल्पना आज से कुछ वक्त पहले तक किसी ने नहीं की होगी. देखिए एंट्रेंस पे ही ये खूबसूरत और साथ ही धार्मिक मान्यताओं को बल देती हुई यहाँ राम जी के खड़ाओं के तौर पर ये प्रतीकात्मक लगाया गया है. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको ये बोर्ड नजर आएगा जिसमें सिग्नल्स दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं कि टेंट 101-121 वहाँ है और साथ ही एक्टिविटी एरिया डाइनिंग हॉल. यहाँ मेरे सीधे हाथ पर इस टेंट सिटी के लिए रिसेप्शन है जहाँ पर आप एडवांस बुकिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जब यहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भी आपकी हर परेशानी का हल है वो आपको रिसेप्शन में मिलेगा. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये बहुत ही खुला सा आपको ये पूरा एरिया यहाँ पर मिलेगा. यहाँ लेफ्ट हैंड पे मेरे डाइनिंग हॉल है. यहाँ पर जो टेंट सिटी में ठहरेंगे वो यहाँ पर खाना खाने के लिए, चाहे सुबह का नाश्ता हो दोपहर का खाना हो, वो यहाँ पर आ सकते हैं. ये डाइनिंग हॉल है. डाइनिंग हॉल में चलते हैं, आपको दिखाते हैं डाइनिंग हॉल में किस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं वो आपको दिखाते हैं. बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसे किसी आप रिजॉर्ट में किसी होटल में जिस तरह से आप खाना खाने के लिए आते हैं किस डाइनिंग एरिया में, ये बिल्कुल वैसा ही आपको फील देगा. राउंड टेबल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और ये पूरा एक बड़ा सा एरिया है. यहाँ पर लोग जो टेंट सिटी में ठहरेंगे उनके भोजन पानी की व्यवस्था यहीं पर होगी. आइए अब बढ़ते हैं आगे. देखिए जब आप डाइनिंग हॉल से निकलेंगे तो बाहर आपको सामने यहाँ पर टेंट्स दिखाई देंगे. 30 टेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं. हर एक टेंट में परिवार के 2 लोग या 3 लोग ठहर सकते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है. टेंट कैसा है अंदर से वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप सोचिए जो श्रद्धालु आएंगे वो जब यहाँ पर ठहरेंगे तो कुदरत के पास और धर्म के करीब खुद को महसूस करेंगे. आइए अब मैं आपको टेंट की तरफ ले जाती हूँ. ये यहाँ पर देखिए ये टेंट बने हुए हैं, ये बाकायदा एक पूरा कमरा है, बाहर 2 चेयर लगी हुई हैं, यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं जो टेंट पे यहाँ पर आके ठहरेंगे. बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर ये पूरा रूम है. आप एंटर करेंगे आपके लगेज रखने के लिए यहाँ पर एक साइड टेबल दी गई है. यहाँ पर ये टेबल है यहाँ पर जहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हैं, अपने शूज रख सकते हैं. आगे बढ़ेंगे तो टीवी है वॉल पर, पानी की बॉटल्स हैं, कप्स रखे हुए हैं आपके लिए, टी बैग्स और शुगर रखी हुई है और ये एक स्टडी टेबल के तौर पर ये और चेयर यहाँ पर दी गई है. यहाँ पे एक मिनी फ्रिज भी है, आप देख सकते हैं मिनी फ्रिज है यहाँ पर. और आगे हम ये देखिए यहाँ इस रूम में राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 2 चेयर दी गई हैं जो लोग ठहरेंगे उनके बैठने के लिए, वो यहाँ चाय पी सकते हैं. ये बेड यहाँ पर 2 लोगों के लिए यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है और साइड में ये एक मिरर दिया गया है और
एक चेयर भी है यहाँ पर, अलमीरा दी गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, लॉकर्स है यहाँ पर, लॉकर दिया गया है कि आप यहाँ पर अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। तो ये अलमीरा दो लोगों के लिए इनफ स्पेस है और यहाँ पे अपना सामान, अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं।